हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आकांक्षा चौहान एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अवर एजुकेशन, जहां मैं लेकर आती हूं आपके लिए डेली इन्फॉर्मेशनल वीडियो एज वेल एज एजुकेशनल वीडियो जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं आपकी यूपीएससी एज वेल एज स्टेट लेवल एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन से। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किए हैं चीज़ें कि आप अगर एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कौन सी कोचिंग चूज कीजिए, बीपीएससी के लिए कर रहे हैं तो कौन सी कोचिंग की तरफ जाइए, यूपीपीएससी के लिए कर रहे हैं यूपीएससी के लिए कर रहे हैं तो आपको कौन सी कोचिंग चूज करनी चाहिए। लेकिन आज की वीडियो इससे कुछ अलग रहने वाली है, जहां पे मैं आपके साथ ये बताने वाली हूँ कि किसी भी एक पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट की क्या खासियत होनी चाहिए, क्या चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए जो आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करे, तो वो मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को एंड में देखने के बाद जरूर शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स के पास भी पहुंच सके। तो स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट आता है फैकल्टीज, यानी कि किसी भी कोचिंग की सबसे खास बात होती है उनके फैकल्टीज। उनके फैकल्टीज कितने अच्छे हैं, कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, कितने सपोर्टिव फैकल्टीज हैं, कितने फ्रेंडली इन नेचर फैकल्टीज हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास बात होती है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की। क्योंकि अगर उनके फैकल्टीज ही अच्छे नहीं हैं, उनके फैकल्टीज ही एक्सपीरियंस नहीं है, उनके फैकल्टीज ही आपको गाइड नहीं करेंगे, तो उस कोचिंग को ज्वाइन करने का क्या फायदा। क्योंकि आप प्रिपरेशन तो खुद भी कर सकते हो, घर में यूट्यूब की वीडियोस बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, बहुत चैनल आपको मिल जाएंगे फ्री में ऑनलाइन आके प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन हम ऑफलाइन जब जाते हैं, ऑफलाइन जब हम कोचिंग चूज करते हैं, तो अगर हम फैकल्टीज को ही ध्यान नहीं देंगे तो हमारा उस कोचिंग को, उस पर्टिकुलर कोचिंग को चूज करने का आखिर फायदा क्या होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसकी फैकल्टीज जो है उनकी खासियत है, तो आपको ध्यान रखना है कि आखिर वहाँ के फैकल्टीज कैसे हैं, क्या वो एक्सपीरियंस्ड हैं या नहीं, टीचिंग फील्ड में उनका कितना एक्सपीरियंस है वो आपको देखना चाहिए, और कितने बच्चों को उनने पास्ट में मेंटोर कर दिया है वो आपको देखना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, रिजल्ट। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो सबसे खास और वाइटल और कोर होता है वो होता है उनका रिजल्ट। क्या इन्होंने पास में रिजल्ट कैसा दिया है, ये तो बहुत ज़रूरी बात है। जब भी हम किसी कोचिंग को चूज़ करते हैं, सबसे पहले हम ये चीज़ ज़रूर देखते हैं कि आखिर उस फैकल्टीज़ का, उस कोचिंग का जो रिजल्ट रहा है वो कैसा रहा है पास में, कि यहाँ से कितने बच्चे पास आउट हुए हैं, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम क्लियर किया है और कितने बच्चे यहाँ से टॉपर निकले हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये है, उनका जो रिजल्ट है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये किसी भी कोचिंग की खास बात होगी। तो जब भी आप कोचिंग चूज करें, उनका पास्ट का रिजल्ट जरूर देख लें। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है ऑनलाइन ऑफलाइन। जैसे कि अभी कोविड की सिचुएशन रही ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, तो आपने देखा सिचुएशन किस तरीके से रही, किस तरीके से चीज़ें चलने लगी थी, हर चीज़ ऑनलाइन होने लग गई थी। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी देखना है कि क्या अब आप जो कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं उसकी क्या ये स्पेशलिटी है, कि क्या वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में आपको प्रिपरेशन प्रोवाइड कर रही है। क्योंकि बाय चांस इन फ्यूचर कभी ऐसी सिचुएशन दोबारा से क्रिएट हो जाती है तो आपका पैसा तो बर्बाद हो गया, तो आप क्या करोगे, क्या वो आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में प्रिपरेशन कराएगी। क्या पता अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो क्या वो आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाएगी या नहीं, क्या वो आपको ऑनलाइन गाइडेंस प्रोवाइड कराएगी या नहीं। तो ये किसी भी कोचिंग की आज के टाइम पे, जब से ये कोविड स्टार्ट हुआ है तब से, अगर मैं कह सकती हूँ तब से, ये एक बहुत खास बात बन चुकी है किसी भी कोचिंग की कि वहाँ ऑनलाइन का जो सिस्टम है वो होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, किसी भी कोचिंग का जो ऑनलाइन पोर्टल होता है उसका एक्सेस, यानी कि आप देख सकते हो बहुत से कोचिंग ऐसे हैं जिनका ऑनलाइन पोर्टल होता है जहाँ पे उनको वीडियोस अवेलेबल होती हैं जो आप देख सकते हो कभी भी। तो आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि क्या उनके पास एक ऑनलाइन पोर्टल ऐसा है जो आपको एक साल से ज़्यादा आपको ऑनलाइन उनके जो पोर्टल है उसका एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि प्लूटस आईएएस है, वो आपको एक साल से ज़्यादा यानी कि दो साल के लिए आपको अपने ऑनलाइन पोर्टल का एक्सेस प्रोवाइड करता है। तो आपको ये चीज़ वहाँ पर देखनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप हमेशा फैकल्टीज जो हैं, आप एक बार फैकल्टीज से पढ़ लेते हो, एक बार आपको एक चैप्टर पढ़ा दिया जाता है तो फिर से बहुत चांसेस हैं कि आपको एक बारी में समझना है, बहुत चांसेस है कि आप जब दोबारा रिवीजन करने बैठो तो आपको कुछ चीज़ें समझना है। तो ज़रूरी है ऑनलाइन वीडियोस जो आपको वो कोचिंग प्रोवाइड करा रही है या नहीं, और प्रोवाइड करा रही है तो क्या उसका एक्सेस एक साल से ज़्यादा है या नहीं, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान देनी चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, क्या वो स्टडी मटेरियल और नोट्स आपको प्रोवाइड कर रही है। क्योंकि एट द एंड आपकी प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपका स्टडी मटेरियल। अगर आपका स्टडी मटेरियल अच्छा होगा, ऑथेंटिक होगा,
तो बहुत चांसेस हैं कि जो भी आप लिख कर आएंगे वो ऑब्वियसली आपका आंसर सही होगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्टडी मटेरियल की जो उनकी जो खासियत है वो भी आप वहाँ पे जज करें, वो वहाँ पे आप देखें। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको देखने चाहिए कि आखिर किसी भी कोचिंग की खासियत क्या होनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखने चाहिए किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले। सो स्टूडेंट, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम और भी ऐसी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।